नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजनाथ। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इंडियन टेक्स्ट मिथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि VPN क्या होता है, VPN के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और ये कैसे काम करता है। साथ ही साथ VPN के बारे में हम इस वीडियो में बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अब ये क्या होता है इसे समझने के लिए आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और जिन्हें पता है वो अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता है वो मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्रोटोकॉल्स ऐसे रूल्स होते हैं जो डेटा ट्रांसफर में यूज किए जाते हैं, ठीक है। बस आपको इतना जानना है कि डेटा ट्रांसफर में जो रूल यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इंटरनेट सर्व कर रहे होते हो तो क्या होता है, आप अपने डिवाइस से लेकर अपने डेस्टिनेशन तक रिक्वेस्ट भेजते हो और फिर वहां से आपको जवाब मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। ये होता है जब आप इंटरनेट सर्व कर रहे होते हो। अब यहाँ पर आपके डिवाइस के बीच में और आपके डेस्टिनेशन के बीच में जो नेटवर्क है वहां पर बहुत से लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। कौन से लोग इंटरफेयर कर सकते हैं? गवर्नमेंट आपकी इंटरफेयर कर सकती है, वो ट्रैक कर सकती है आपने क्या देखा, हैकर्स, स्पैमर्स, ये सारे लोग, और ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारे के सारे ISPs है, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रैक करते हैं, आपको आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं कि आप क्या क्या यूज कर रहे हो इंटरनेट पे, आप क्या क्या सर्व कर रहे हो, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा इन्हें क्या प्रॉफिट मिलता है। जी हाँ, इन्हें भी प्रॉफिट ही मिलता है ये करके। तो आप सोच रहे हो कि इन्हें क्या प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इन्हें क्या प्रॉफिट मिलता है। जब भी आप इंटरनेट सर्व कर रहे होते हो, आप ब्राउजिंग कर रहे होते हो, तो क्या होता है आपकी ISP जो है वो आपको ट्रैक करती है, आपको ट्रैक करके आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटीज जो है वो कैप्चर करती है। अब वो एक्टिविटी को, उस डेटा को वो बेच देती है उस कंपनी को जो आपको आपके इंटरेस्ट के बेस पर एड्स दिखा सके। तो ये पूरा खेल एड्स दिखाने का ही है। तो एड्स दिखा के ही उन कंपनीज को प्रॉफिट मिलता है, तो इस तरह से उन्हें प्रॉफिट मिलता है। और भी बहुत सारे पर्पस है जिसके लिए ये लोग आपको ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पर्पस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी प्राइवेसी सिक्योर नहीं है, आपकी प्राइवेसी खतरे में है। तो अब सवाल उठता है हम इसे कैसे बचें। तो इससे बचने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक है VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है, ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था, पहले आप अपने डिवाइस से लेकर अपने डेस्टिनेशन तक रिक्वेस्ट भेजते थे, फिर वहां से रिक्वेस्ट आता था। लेकिन अब क्या होगा, जब आप एक VPN सर्वर से कनेक्ट होते हैं, जी हाँ, VPN जो है उसके सर्वर्स बहुत अलग अलग जगह में, वर्ल्ड के बहुत अलग अलग जगह में मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आप जब भी VPN यूज करोगे तो आपको एक सर्वर चूज करना पड़ेगा कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। तो आप जब VPN के सर्वर को चूज करोगे तब वो VPN का जो सर्वर है वो आपके डिवाइस से लेकर अपने सर्वर तक एक इंक्रिप्टेड टनल बना देता है, जिसके थ्रू आपका कनेक्शन पहले कहाँ जाता है, आपका कनेक्शन पहले जाता है VPN सर्वर की ओर, और उसके बाद सर्वर से फिर वापस जाता है डेस्टिनेशन के पास, ठीक है। तो इतना में क्या हुआ कि आपसे लेकर जो आपके VPN सर्वर तक जो कनेक्शन है वहां पर पूरा इंक्रिप्टेड है, ठीक है। वो तो वहां पर इंक्रिप्टेड है, वहां पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई वहां पर आपको मॉनिटर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन सेफ रह गया, ठीक है। तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो VPN के सर्वर तक जो कि इंक्रिप्टेड है, फिर VPN सर्वर आपके रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर रहा है आपके डेस्टिनेशन की ओर, फिर डेस्टिनेशन वापस भेज रहा है आपके VPN सर्वर की ओर, सर्वर से फिर वापस आपके पास आ रहा है। अब जो आपकी डेस्टिनेशन है, मान लीजिए आपने जो कोई वेबसाइट विजिट की है, ठीक है, अब जिस वेबसाइट को आपने विजिट की है वो वेबसाइट भी आपको ट्रैक कर सकती है अगर आप VPN यूज ना करें तो, ठीक है। वो आपको ट्रैक कर सकती है कि आपकी IP एड्रेस क्या है, लेकिन जब आप VPN यूज करोगे, VPN का कोई सर्वर से कनेक्ट हो जाओगे, तब वो वेबसाइट जब आपको ट्रैक करना चाहिए तब वो VPN के सर्वर को ट्रैक करेगी, ना कि आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है डेस्टिनेशन की ओर वो कौन भेज रहा है, वो आपका VPN का सर्वर भेज रहा है। तो इस तरह से एक VPN काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि VPN के क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस जो हैं वो पहला तो आपने देख लिया कि आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटीज को कोई मॉनिटर नहीं कर सकते कि आप क्या क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे, हैकर्स वगैरह जो है वो आपको ट्रैक नहीं कर सकते। ये हो गया एक बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट जो है वो आपकी IP एड्रेस यानी कि आपकी लोकेशन कोई ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो है वो आप ऐसे वेबसाइट्स को, ऐसे सर्विसेज को आप विजिट कर पाओगे जो कि आपके एरिया में बैन की हुई है, ठीक है, जो आपके एरिया में ब्लॉक की हुई है। तो ये कैसे होता है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि वेबसाइट किसको ट्रैक करती है, आपके VPN के सर्वर को, ना कि आपको, ठीक है। तो VPN अगर आपको ट्रैक कर लेगी तो आप वो पता लगा लेगी कि आप कहाँ से हो, और फिर हो सकता है वो वेबसाइट आपको शो ना हो, लेकिन अब वो वेबसाइट ट्रैक कर रही है आपके VPN के सर्वर को, जिसकी वजह से आप वो वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा बेनिफिट। तो ऐसे और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं VPN यूज करने के, उनमें से मैंने आपको कुछ बता दिए जो कि मेजर है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपकी रिक्वेस्ट पहले सर्वर तक जा रही है, फिर सर्वर से जा रही डेस्टिनेशन तक, फिर डेस्टिनेशन से आपके सर्वर, फिर सर्वर से आप तक, और फिर ये सब भी इंक्रिप्टेड भी है। तो इतना सब कुछ हो रहा है जो कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया VPN यूज करने का, ठीक है। हालांकि इसके बारे में हम आगे और भी बात करने वाले हैं। तो इंटरनेट पे आपको काफी ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जो आपको VPN यूज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, जैसे एक्सप्रेस VPN, प्योर VPN, होला,
ये होला नहीं, होला और नॉट वीपीएन। तो इस तरह के कई सारे टूल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो कि आपको वीपीएन यूज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वीपीएन को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे वीपीएन जो है वो अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं जिनकी वजह से वो अलग अलग तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि किसी की स्पीड ज्यादा है तो किसी की सिक्योरिटी ज्यादा है, किसी का इंक्रिप्शन रेंज ज्यादा है। तो इस तरह के फीचर्स से आप वीपीएन को क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं एक छोटा सा क्विक कंपैरिजन कुछ सिलेक्टेड वीपीएन प्रोटोकॉल्स के बीच में। तो चलिए हम कुछ वीपीएन प्रोटोकॉल्स को कंपेयर कर लेते हैं, और ये जो कंपैरिजन हम करने वाले हैं वो इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी और स्पीड के बेसिस पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन वीपीएन के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्रोटोकॉल में इसे माना जाता है, ठीक है। तो ओपन वीपीएन का जो इंक्रिप्शन है वो उसमें आपको 160 बिट का भी इंक्रिप्शन मिल जाता है और 256 बिट का भी इंक्रिप्शन आपको मिल जाता है, और सिक्योरिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और स्पीड भी इसकी फास्ट है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं PPTP यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल के बारे में। तो इसमें इंक्रिप्शन आपको मिल जाता है 128 बिट, जो कि ओपन वीपीएन के मुकाबले आप देख सकते हैं कम है, और सिक्योरिटी इसकी वीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर इंक्रिप्शन कम है तो सिक्योरिटी वीक है। स्पीड की हम बात करें तो स्पीड इसकी फास्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रिप्शन काफ़ी कम रेट में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपको स्पीड ज़्यादा मिल रहा है। अब हम बात करते हैं L2TP IPSec यानी लेयर टू टनल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। यहाँ पर आपको जो है इंक्रिप्शन मिल जाता है 256 बिट का, और सिक्योरिटी इसमें काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी, और स्पीड इसकी ठीक ठाक रहेगी, मीडियम रहेगी। और अब हम बात करते हैं दूसरे वीपीएन की, जिसका नाम है IKEv2 IPSec यानी कि इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। और इसमें जो आपको इंक्रिप्शन मिल जाती है 256 बिट की, जो कि काफ़ी अच्छी इंक्रिप्शन है, और सिक्योरिटी भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और इसमें स्पीड जो है वो आपको L2TP IPSec प्रोटोकॉल से ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था एक क्विक कंपैरिजन कुछ प्रोटोकॉल्स के बीच में। तो अगर आपको वीपीएन यूज़ करना है तो आपको वीपीएन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी वीपीएन प्रोटोकॉल आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट वीपीएन का, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।